मैं कहूंगा लुकमदीन को ली दिन, तुम अपनी पार्टी को देखो ना भाई, तुम्हें आजाद साहब के साथ क्या है? तुम कहते हो वो गंदा है, वो ठीक नहीं है, वो गद्दार है, ठीक है, गया डेडवुड था, वो सब कांग्रेस से निकल गया। डेडवुड था, मैं डेडवुड था जिसने कांग्रेस को बनाया, आजाद साहब डेडवुड थे। ये जीते जब तक ओहदे मिलते थे तब तक ठीक थी कांग्रेस, अब ओहदों से हट के जब आप इलेक्शन हारते हैं तो आप कांग्रेस खराब हो गई। मेरी बात सही था पार्टी का इनकार करने का, फिर क्या इंतजार करते हैं? पार्टी भी थी उनके साथ, क्यों हम क्यों किसी के छांव में जाकर बैठे जब हम में दम है कि हम खुद चला सकते हैं? पीएचडी को किस नजरिए से देखते हैं ताशा? पीएचडी ने नारा मारा है 370 वापस लाएंगे, उनको पता होगा 360 कैसे लाएंगे। मैंने कहा हमने देखा बयानबाजी तो बड़े पैमाने पे होती है आजाद साहब के ग्रुप की, मगर कभी बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी अभी फिलहाल वक्ती तौर नहीं। बोल रहा हूँ अभी मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से हमें ये नहीं मिल रही। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हो द टाइपराइटर और मैं हूं आपका मेज़बान जावेद खान। लगातार जम्मू कश्मीर की सियासत उरूज पर है, बयानबाजी दोनों तरफ से चल रही है। एक वक्त होता था जब तनकीद का निशाना भाजपा सरकार को बनाया जाता था, यानी कि बीजेपी सरकार को तनकीद का निशाना बनाया जाता था, और जब से कांग्रेस में से आज़ाद साहब ने अलाइदगी की है उसके बाद सारे तनकीद के निशाने आज़ाद साहब की ओर जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ताज मोहिद्दीन साहब, जो कि काफ़ी दफ़ा मिनिस्टर भी रह चुके हैं और एक कद्दावर नेता भी रह चुके हैं। सबसे पहले सर आपका खैर मकदम है द टाइपराइटर जी। सर आपसे समझने की कोशिश करेंगे, एक वक्त था जबकि सारे जम्मू कश्मीर के रीजनल पार्टीज जो है वो टारगेट करती थी बीजेपी सरकार को, आज ऐसा वक्त है कि सारे बीजेपी से हटके सारों का इंटेंशन जो है आज़ाद साहब की ओर चला गया है, क्या मकसद हो सकता है इसका? देखिए मैं आपसे अर्ज करूं, जितनी तनकीद करेंगे उतना आगे बढ़ेंगे। आज़ाद साहब एक कदावर लीडर है, 52 साल उनको सियासत में हुए, अब कांग्रेस छोड़ी, मैंने भी कांग्रेस छोड़ी, उन्होंने 52 साल के बाद छोड़ी, मैंने 42 साल के बाद छोड़ी। कांग्रेस का चलन ही कुछ और हो गया था, मजबूर हो गए थे, ना मेंबरशिप, ना इलेक्शन, नॉमिनेशन, यानी हर चीज़ जो थी वहाँ उससे मैं तंग आया था। कोठरी बनी हुई थी राहुल गांधी की, वो कोठरी ही राहुल गांधी से मिलती थी, मैडम से मिलना आसान था, आई रिस्पेक्ट हर, मगर राहुल गांधी जो पार्टी को चला रहा है उसने बेड़ा गर्क किया, उसने मिलना ही छोड़ दिया, और जब पता ही नहीं है करना क्या है, जब सियासत रही नहीं इनकी, अब वो तनकीद करते हैं, और किस बेशर्मी से तनकीद करते हैं, उनको शर्म भी नहीं आती। अब मैं ज़्यादा इस पर बहुत बोल चुका हूँ, मैं इस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा लुकमदीन को ली दिन, तुम अपनी पार्टी को देखो ना भाई, तुम्हें आज़ाद साहब के साथ क्या है? तुम कहते हो वो गंदा है, वो ठीक नहीं है, वो गद्दार है, ठीक है, गया। अपनी पार्टी को देखो, हम अपनी पार्टी को देखेंगे, वो जी बीजेपी के साथ गया, अरे भाई वो कह चुका है बीजेपी, आज हमने 26 तारीख को ऐलान करना था पार्टी का, अगर हम बीजेपी सरकार के साथ होते तो हमारी रजिस्ट्रेशन इतनी डिले ना हो जाती कि आज हम खिसियाना मुंह लेके चल रहे हैं, हमने 26 को हमें ये था, अभी वो कहते हैं जी 1 महीना और लगेगा। तो ये इसी तरह समझ जाओ कि जिस दिन हमारा जलसा था उस दिन हमारी सारी होर्डिंग्स उठा के ले गए थे, वो बीजेपी सरकार थी, वो हमको कहते हैं जी बीजेपी सरकार से मिले हैं, आज हम क्या मुंह लेके अब जाएंगे, हमने कहा 26 को हम ऐलान करेंगे, नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिले हो गई। अगर हम बीजेपी के साथ होते वो तो घर पे पहुंच के आ जाती हमको, ये लो जी रजिस्ट्रेशन, यही होता ना। आपसे सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं तनकीद का निशाना आप जितने भी आज़ाद साहब का ग्रुप है उनको भी बनाया जाता है, आप भी काफ़ी दफ़ा मिनिस्टर रह चुके हैं, काफ़ी दफ़ा कांग्रेस की जानिब से आपको ओहदे भी दिए गए हैं, तो जब तक ओहदे मिलते थे तब तक ठीक थी कांग्रेस, अब ओहदों से हट के जब आप इलेक्शन हारते हैं तो आप कांग्रेस ख़राब हो गई। मेरी बात सुनिए, 10 साल में तो हम ओहदों के बगैर रहे ना, 10 साल तो हम ओहदों के बगैर रहे ना, हमने प्रोटोकॉल वगैरह सब कुछ सेम। प्रोटोकॉल क्या होता, प्रोटोकॉल तो मेरा होगा, प्रोटोकॉल तो नहीं ना होता, अगर जो मुझे डर होगा
में मुझे थर्ड प्रिसेप्शन होगी, वो तो कांग्रेस पार्टी की वजह से या दूसरी चीज़ों से नहीं होगी, वो मेरी पर्सनल होगी। आप समझे, प्रोटोकॉल ये नहीं होता कि मुझको कौन सी गाड़ी है, कोई भी नहीं, मुझे एस्कॉर्ट मिलता है जो एंटाइटल्ड हूँ, जेड प्लस से मुझको वाई प्लस कर दिया, क्योंकि आई एम ए लोन पॉलिटिशियन, वेदर आई वुड हैव बीन इन दिस पार्टी और एनी अदर पार्टी। वो तो अपनी पार्टी को तो सबसे ज्यादा मिल रहा, फिर अपनी पार्टी को तो जेड सिक्योरिटी कर दी हुई है, जेड प्लस कर दी है, किसकी, इसकी पार्टी से प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल इज समथिंग एल्स, प्रोटोकॉल इज योर रैंक, योर रैंक, योर। कांग्रेस पे आपने इन्वेस्ट किया कि आपने इन्वेस्ट किया कांग्रेस पे या कांग्रेस ने आप पे इन्वेस्ट किया? देखिए, मैं तो अपनी सीट बगैर कांग्रेस के हेल्प से आया हूँ, कांग्रेस में इसका कोई योगदान नहीं रहा, मैंने आउट ऑफ बाउंड कांग्रेसियों को कर दिया था, जाइए पूछिए, मैंने कहा तुम इन्फेक्शन हो, जहाँ जाओगे इन्फेक्शन फैलाओगे, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आओगे। अभी कांग्रेस इन्फेक्शन फैला रही है मेरी पार्टी में, उड़ी में, अरे एक दूसरे के पीछे है। हद ये है कि अपनी पार्टी के मिनिस्टर के खिलाफ सोच साजी थी, मेरे साथ साजी थी और मेरे पे हाउस कमेटी बना दी, अमृत मल्होत्रा के साथ साजिश करके, वो तो बड़ा हुआ MLC जो अपने थे वो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के थे उन्होंने रिफ्यूज किया और वो खत्म हुआ। सर आपने तो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कंटेस्ट करके जीत हासिल की है और कांग्रेस को जो है बाकायदा तौर पर कांग्रेस पे इन्वेस्ट किया है, गुलाम नबी आज़ाद साहब पे ये कहना है, यानी कि कांग्रेस का ये कहना है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब पे हमने बाकायदा तौर इलेक्शन के बिना उन्हें बड़े बड़े पदों पे बिठाया और जब वक्त आया कि आप कांग्रेस को वापसी में कुछ दें तो उन्होंने इस्तीफा दिया। देखिए मेरी बात सुनिए, ये बात गलत नहीं है कि कांग्रेस टिकट पे वो मेंबर पार्लियामेंट बने, मगर मेंबर पार्लियामेंट किसको बनाया जाता है, मिनिस्टर किसको बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है, जिसकी काबिलियत हो। सारे फिर तो 560-540 पार्लियामेंट में आ जाते हैं, फिर सबके सबको मिनिस्टर बना दो, मगर उनको देखा जाता है जिनकी कॉम्पिटेंस हो। आप एक बार धोखा दे सकते हो कि हाँ जी मुझ में कॉम्पिटेंस है, दूसरी बार आप निकल जाओगे बाहर, आपका नज़र नहीं आएगा कि आप में काबिलियत नहीं है। काबिलियत की वजह से अब बेस्ट हेल्थ मिनिस्टर का अवार्ड मिला, क्यों मिला, वो तो किसी गवर्नमेंट ने नहीं मिला दिया, काबिलियत की वजह से, काबिलियत की वजह से ही वो ये बने, ये बने लीडर ऑफ द अपोजिशन। अभी जिस तरीके से कांग्रेस का नहीं था ना, वो तो बाकी पार्टियों ने भी कहा ना, लीडर ऑफ अपोजिशन सिर्फ ये उसी के नहीं थे ना, सिर्फ कांग्रेस के नहीं थे। कहते हैं मोदी ने आंसू बहाए तब जाके जो है गुलाम नबी आजाद साहब उन आंसू को देखकर पिघल गए। अरे भाई मैं कहता हूँ हमारा हाल देखो, जब हमारा जलसा था हमारी होर्डिंग्स उठा दी, बीजेपी ने उठाई, उनकी म्यूनसिपैलिटी है, जब हमें रजिस्ट्रेशन देनी थी और हमने ऐलान कर दिया था कि 26-27 को हम ऐलान करेंगे, उस पर बाधा डाल दी, तो मोदी गवर्नमेंट नहीं डाली ना। आप मुझे बोलो हमें कौन सा इनाम दिया है उन्होंने। अब अगर आज़ाद साहब का करिश्मा है कि लोग उनके पीछे चलें हजारों की तादाद में लाखों, अगर इनमें दम है ये भी करके दिखाएं जलसा, ये भी उस जो लॉन को भर के दिखाएं। कहते हमें पता है कि कहां कहां से इन्होंने बंदे लाए थे और किस तरीके से लाए थे। हाँ तो लाए गए ना बंदे, तुम भी लाओ ना, मैंने लाए थे उड़ी से, फिर क्या उड़ी से नहीं आएंगे, रशीद डार ने लाए थे इधर से, रफियाबाद से आए थे, दूसरी जगहों से आए थे, बाजाबता, ये सिर्फ बारामूला का जलसा नहीं था, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट का जलसा था। क्या यही वक्फा सही था पार्टी का इनकार करने का, फिर क्या इंतजार करते हैं, कोई पार्टी भी थी उनके साथ और क्यों, हम क्यों किसी के छाव में जाकर बैठे, जब हम में दम है कि हम खुद चला सकते हैं और खुद हुकूमत बनाएंगे,
हमें दामे हमें किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 370 की उम्मीदें छीनी जा रही हैं, ये रीजनल पार्टीज का कहना। अरे भाई सच्चाई बोलनी गलत है, कैसे आप करोगे? मैं भी कहता हूँ जब तक आपके पास 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी पार्लियामेंट में, नहीं अब मैं लोगों को ख्वाब दिला दूं मैं जी मेरी 2/3 मेजोरिटी होगी, किस पार्टी की 2/3 मेजोरिटी होगी अगले इलेक्शन में? जो भी रीजनल पार्टीज का दावा कर रही है वो सारा झूठ है, वो उनका नजरिया है, मैं किसी को झूठा नहीं कहता। हाँ उनको होप है सुप्रीम कोर्ट पे, मुझे भी होप है सुप्रीम कोर्ट पे, मगर साथ ही मैं ये कहता हूँ कि 2.5 साल से उन्होंने अभी इनिशियल हियरिंग नहीं की, एप्लीकेशन दी गई कि अर्ली हियरिंग के लिए, वो चीफ जस्टिस भी चले गए, अर्ली हियरिंग नहीं हुई। मुझे पूरा यकीन है सुप्रीम कोर्ट पे, मगर फैसला तो हो, मैं क्या बोलूँगा कि मैं आधा इसमें पार्लियामेंट में दिला दूंगा? वो दम नहीं है, वो किसी में भी दम नहीं है, कोई ये दावा नहीं कर सकता कि वो वहाँ से ले आएगा पार्लियामेंट से। और लोगों को झूठ बताइए, हम 3 यहाँ से हमारे 5 मेंबर पार्लियामेंट जाते हैं, किधर से? जम्मू कश्मीर से। क्या 5 मेंबर पार्लियामेंट बदला देंगे? अगर आजाद साहब की पार्टी जो आने वाली है वो अक्सरियत में आती है तो 370 और 35 की आशंका लगाई जा सकती है उसके? देखिए हम वादा करते हैं 370 का नहीं, वो तो पार्लियामेंट में जाएगा, कि रियासत का जमीन की जमानत हम देते हैं, जमीनों की जो है वो हम देते हैं, जमीनों का हक सिर्फ लोगों को, नौकरियों का लोकल नौजवानों का हक है सरकारी नौकरियों पे वो हम देते हैं, इज्जत और आबरू हम देते हैं। यही चीजें 370 में थी ना, इसके अलावा कुछ था? एक था वो कानून बनाना, वो तो हम 5 मिनट में कैबिनेट में बैठ के उसको अप्रूव करते थे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती थी। दूसरी चीज थी 35, ये तो यही है जो मैंने कह दिया आपको, ये तो हम आपको गारंटी कर रहे हैं या हम देंगे। 370 का जो है वो मामला 2/3 मेजोरिटी से होगा, या जो इलीगल, ये इलीगल है कौन सा जो इन्होंने पास किया है, ये कानून ये गलत है, कानूनी तरीके से गलत है, हर तरीके से गलत है, नोटिस नहीं दी है, ये नहीं किया है, यहाँ से उठा के उधर जोड़ा है, उधर से जोड़ के इधर दिया है, असेंबली के बदले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बाद असेंबली हो सकती है मगर इन्होंने असेंबली के पावर गवर्नर को दे दी है, तो वो तमाशा है। अगर सुप्रीम कोर्ट इन सब चीज़ों पर जाएगी इसको ख़त्म कर सकती है। PAGD को किस नज़रिए से देखते हैं ताशा? PAGD ने नारा मारा है 370 वापस लाएंगे, उनको पता होगा 360 कैसे लाएंगे, मैं नहीं कह सकता। हाँ उनकी उम्मीद भी अदालत पे है, हमारी उम्मीद भी अदालत पे है, मगर वो भी जानते हैं कि पिछले 2.5 साल में इसकी 1 तारीख भी नहीं लगी। कांग्रेस के जो नए लीडर्स आए हैं या नए वर्कर्स आए हैं वो भी आज आजाद साहब को गद्दार कह रहे हैं। कौन नए लीडर्स? नए लीडर्स जो कांग्रेस में जिन्होंने शिरकत की है या फिर कांग्रेस के जितने वर्कर्स हैं, छोटे से छोटा वर्कर भी जो है कांग्रेस साहब को गद्दार कह रहे हैं, आजाद साहब को गद्दार कह रहे हैं। कांग्रेस के रहे हैं या कुछ लीडर नहीं रहे कांग्रेस के? कहा मैं 40 साल में कांग्रेस में रहा हूँ, जो भी डेड वुड था वो सब कांग्रेस से निकल गया। डेड वुड था, मैं डेड वुड था, जिसने कांग्रेस को बनाया आजाद साहब डेड वुड थे, ये जितने इनके पास रहे क्या? एक MLA बनाने के लिए 15 साल चाहिए, वो तो सारे निकल के प्रोस्पेक्टिव MLA। कांग्रेस अगर जीत जाती है मुझको दिखता है 1 सीट भी लेगी। ये भी कहा जाता है कि बाकायदा तौर पर आज़ाद साहब को इस वक्त आराम करना चाहिए था जबकि यूथ को मौका देना चाहिए था, और उन्हें जब लगा कि यूथ आगे आ रही है उन्होंने अलाइदगी कर ली। भाई आप क्या समझते हो कि आप वेटरन्स को छोड़ दोगे और फिर यूथ अपना रास्ता खुद बनाएगी?
क्या ये कभी कभी हिस्ट्री ऑफ द पॉलिटिक्स इवन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ आपने क्या देखा है? कौन आते हैं? एक्सपीरियंस्ड आते हैं, क्योंकि व्हेन यू रन द गवर्नमेंट तो तुम्हें चाहिए ये। अब बच्चों से तो तुम्हें बन नहीं सकती। सारी दुनिया में इंग्लैंड में देख लो, तमाम मेंबर पार्लियामेंट जो होते हैं वो 60 से ऊपर के होते हैं। क्यों होते हैं? एक्सपीरियंस। अब यूनाइटेड स्टेट्स में देख लो, इस वक्त जो है उसकी 80 साल उम्र है, कौन? जो बाइडेन। तो ये तो वो नहीं हुआ जाता है कि एक छोकरा आ जाएगा वहां से, वो कह जाएगा मैं जी बन जाऊंगा। कैसे? 20 साल तो आपको एमएलए बनने के लिए तैयारी करनी पड़ती है, लोगों की खिदमत करनी पड़ती है, तो फिर किधर से नौजवान एकदम आ जाएंगे, रास्ता छोड़ देंगे? कांग्रेस को क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस को कहूंगा लोकम दीनों को वलियो दीन, अपनी पार्टी को तुम देखो, वही तुम्हारा दीन है, हम अपनी पार्टी को देखेंगे। आखिरी सवाल रहेगा, आखिरी सवाल ये है कि हमेशा हमने देखा बयानबाजी तो बड़े पैमाने पे होती है आजाद साहब के ग्रुप की, मगर कभी बीजेपी के खिलाफ कोई बयानबाजी अभी फिलहाल वक्ती तौर नहीं बोल रहा हूँ। अभी मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूँ कि बीजेपी की वजह से हमें ये नहीं मिल रही रजिस्ट्रेशन, ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, ये तो अभी आपके सामने बोल रहा हूँ, तो अब क्या बोलूंगा? अब आप चाहते हो कि मैं मोदी साहब को गालियां देना शुरू कर दूं, अमित शाह को गालियां देनी शुरू कर दूं? वही चाहते हैं आप? मगर जो कहना है कि हम 26 तारीख को ऐलान कर रहे वाले थे पार्टी का, हमने चेहरा जो नया आ रहा है बेशुमार है यार, कितु की गिनती करूं, तो हजारों की तादाद में नौजवान भी शामिल है। आपने ये जो जलसे देखे, जम्मू का जलसा देखा, चनाब रीजन के देखे, बारामूला का देखा, मतलब शिरकत कर रहे हैं आजाद साहब के साथ? क्यों नहीं कर रहे हैं? नौजवानों की आदत से ज्यादा तादाद थी, नौजवानों की आधे से ज्यादा तादाद थी। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। जिस तरीके से कहना है और जिस तरीके से तनकीद का निशाना आज़ाद साहब को बनाया जा रहा था, उसी सब पे हमने मुनासिब समझा कि ताज मोहिद्दीन साहब से बातचीत की जाए और इनका किस तरीके से नज़रिया है बाकी रीजनल पार्टीज़ को लेके या फिर रूलिंग पार्टीज़ को लेके, वो भी आप तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।